एलडी न्यूज से जुड़े तमाम जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनका इसके जो होस्ट हैं दिनेश माहेश्वरी जी और उन तमाम एलडी न्यूज परिवार की तरफ से आप सबका अभिनंदन है। और आज देखिए, हमारे बीच जो हैं वह जिनकी दुनिया जो है वो किताबों की दुनिया है, और जो जिनके आप फाटक आते हैं, किताबें निकलवाते हैं, जमा कराते हैं, तो एक व्यक्ति जीवन में कितनी किताबें पढ़ सकता है वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को किताबें पढ़वा सकता है ये दूसरी बात है। हाँ तो ऐसे किताबों के बीच का जो बाशिंदा है, जो जो किताबों से जोड़ने के लिए जीवन के तमाम पिछले गुजरे हुए वर्षों में निरंतर लोगों को प्रेरित करते रहे हैं, और कोटा की आबोहवा में अगर किताब की कहीं खुशबू है तो वो सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में है, जहाँ वो कहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी का जो जो सपना है वो स्मार्ट नागरिक जो उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, वो स्मार्ट नागरिक होगा उसके पढ़ने से, उन किताबों से, उन ज्ञान से, और उसके संज्ञान की जो क्षमता है, उसको स्वप्रेरणा की जो ललक है वो उसको स्मार्ट बनाएगी। और मैं दीपक जी से कई बार मिला हूँ, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जिनसे हम आज रूबरू हो रहे हैं वो इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, और ये खुशकिस्मती है कि इस पूरे प्रदेश में राजधानी की जो लाइब्रेरी है जयपुर की, उसके बाद अगर कोई लाइब्रेरी है जिसको लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, जिसको जहाँ आपको पहला ही कदम जैसे उसकी सीढ़ी पर रखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसी भी कोई लाइब्रेरी होती है क्या? ऐसा जो जो भाव आपके मन में जो जगह पैदा करती है वो कोटा की सार्वजनिक मंडल लाइब्रेरी है, और ये सारा श्रेय जो यहाँ केवल डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव को ही नहीं है, यहाँ जितने कर्मचारी है वो पाठक को कितना स्नेह रखते हैं, उसके लिए उसकी बताई हुई एक किताब के लिए सारे जुट जाते हैं, और उसको ऐसा समर्पण यहाँ के लोगों के लिए अप्रतिम है और निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाला है, किताबों से जोड़ने वाला है, क्योंकि लाइब्रेरी होना एक अलग बात है और लाइब्रेरी से पाठक जुड़े हुए इस चिंता में डूबे रहना दूसरी बात है। तो अब मैं चाहता हूँ कि पहली, दूसरी और तीसरी तमाम तरह की बातें डॉक्टर श्रीवास्तव से की जाए, और ये किताबों की जो दुनिया उन्होंने सजाई है, नौकरी से इतर भी जो केवल ड्यूटी के अलावा भी जो उनकी नैतिक ड्यूटी जो बनती है कि वो पाठक डेवलप करें, रीडर्स डेवलप करें, और ये किताबें लोगों तक पहुँचे, न कि यहाँ इन अलमारियों में धूल काती रहे, वैसी सद्प्रेरणा उनसे मिली। और मैं तो खुद उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जब भी उनसे मिलता हूँ कई सारी उदासियाँ जहन से उड़ जाती हैं, कई सारे जो निराशाएं हैं वो कहीं किसी अलमारी के किसी दराज में जाके छुप जाती है। तो ऐसे ऊर्जावान लाइब्रेरियन जो न केवल राजस्थान में अपनी काम से, अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से पहचान बनाई है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो लाइब्रेरी का एक सिनेरियो है, जिस तरह के नए प्रयोग जहाँ होते हैं उस प्रयोग को करने के लिए तत्पर ही नहीं, मतलब बिल्कुल आतुर रहते हैं कि मैं यहाँ कोटा की लाइब्रेरी में कैसे पाठकों को अवेलेबल कराऊं। और मैं जब यहाँ देखता हूँ तो कोई आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा है, वो भी सुकून से एक बाहर बेंच पे पढ़ के पढ़ रहा होता है, एक बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है, जो जो जन्मांध है उनके दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था है, तो ब्रेल लिपि के लिए अलग व्यवस्था है, ई लाइब्रेरी है, बहुत सारी बातें हैं, कितनी गिनाओ, उन्हीं से जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव से ये पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि लाइब्रेरियन तो बहुत है दुनिया में, और किताबें के बोझ से, उसके आडंबर से वो ढके भी रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या है आपके भीतर कि आपको इस बात की चिंता अधिक रहती है कि किताबें पाठकों तक पहुँचे, और उसके लिए आप क्या प्रयास करें, क्या नए प्रयोग या नई चीज़ें आप कोटा लाइब्रेरी में शुरू किए हैं, और ये कैसी आपके मन में ये सब भाव कैसे जागृत हुआ किताबों के प्रति? थैंक यू डॉक्टर नागर, और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर माहेश्वरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जब आपने लाइब्रेरी का जिक्र किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत तारीफ में हमारी की। निश्चित रूप से सबसे पहले तो बीइंग ए लाइब्रेरियन, मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं हाईली सेल्फ मोटिवेटेड लाइब्रेरियन हूँ। मुझे किसी गवर्नमेंट ऑर्डर का वेट नहीं होता, या मुझे किसी की ये नहीं कि वो आएगा तो मुझे वो काम करना है। मैं स्वयं मतलब मोटिवेटेड हूँ, स्वयं प्रेरणा मुझ में रहती है, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस काम को करता हूँ, स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल का काम करता हूँ, तो
इसको मेरे दिमाग पे रीडर सुप्रीमेसी रहती है। रीडर सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि जितने भी काम किए जाएं वो रीडर्स को केंद्रित रखते हुए किए जाएं, या रीडर्स की साइकोलॉजी किस तरह की है उसको सेंटर करती रहती किए जाएं। पब्लिक लाइब्रेरी में हूँ तो निश्चित रूप से पब्लिक लाइब्रेरी का जो एरिना है, जो जॉनर है, वो काफ़ी वाइड है। यहाँ पे यू कैन सी द डॉक्टर्स हियर, द पेशेंट हियर, इधर द फार्मर हियर, इधर द पेंटर हियर, इधर द रिसर्च स्कॉलर, तमाम तरह के लोग यहाँ आते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और सबका अपना अपना जो है इंफॉर्मेशन नीड और सीकिंग भी है, मेरा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। उन सबको ध्यान में रखते हुए कलेक्शन को डेवलप करना, कलेक्शन को बिल्डअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें मुश्किल तब नहीं होता जब रीडर साथ हो जाते हैं। कई लोग क्या होता है कि जैसा आपने कहा कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी को बनाने के लिए आप बहुत एफर्ट्स करते हैं, निश्चित रूप से एफर्ट्स तो करते हैं, लेकिन एफर्ट्स तब और भी कारगर सिद्ध हो जाता है जब एफर्ट्स में आप लोग साथ हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है कि कई बार पाठक की इच्छा होती है कि वो किताब आपकी लाइब्रेरी में होगी, और आप तमाम आर्थिक जो वो उनसे जूझते हुए भी कोशिश करते हैं, मैंने देखा है एक दो बार आपको कि वो किताब मंगाई जाए, लेकिन वो किन संसाधनों से मंगाई जाए ये बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप अंततः उस किताब को मंगा लेते हैं। लेकिन हम तो ये मंगवा लेने का जो ये जो तमाम चीजों को हटाकर एक पाठक की रुचि और को ध्यान में रखने के लिए, या उसकी रुचि को, या उसके मन की पूर्ति जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप जुट जाते हैं। और मैंने देखा है कई सारी किताबें आपने पाठकों की रुचि के अनुरूप मंगाई। आपने जैसे कहा कि आत्मीयता बहुत रहती है इस तरह की, मैं आपको बताऊँ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्विस है वो है पर्सनलाइज सर्विस या वेलकमिंग न्यू स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या फर्क है, कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट आ गया, गूगल वर्ड आ गया, गूगल बॉम्ब आ गया। अरे ठीक है, गूगल आ गया, गूगल से आप क्वेश्चन करते हैं तो एक एक क्वेश्चन के 1000 आंसर देता है, लेकिन जब आप लाइब्रेरी से क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन का एक आंसर देता है, वो भी राइट आंसर देता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा, उसको पता लगा कि मुझे बाल दिवस की सूचना चाहिए, जैसे ही वो गूगल में बाल दिवस डालता है तो निश्चित रूप से बाल दिवस पर हजारों खबरें आती है। तो क्या देखता है, मैंने देखा उसको बाल दिवस पर अनिल कपूर का बालों वाला फोटो आ रहा है, बाल दिवस पे एक हेरसोल्यूट का फोटो भी आ रहा है, और बाल दिवस पे नेहरू जी का फोटो आ रहा है। इसको डिटरमिन कौन करेगा, कौन बताएगा कि बेटा ये तुमसे रिलेटेड है? तो लाइब्रेरी जो है वो अल्टीमेट रेस्पॉन्डिंग पर्सनैलिटी है, और गूगल जो है वो आपको एक ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां पे जजमेंट लेने में दिक्कत होती है। एक ऑफिसर थे, वो अपने बच्चे को लेके आए, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जो है आर्टिकल पे बुक चाहिए। मैंने कहा सर किस आर्टिकल पे बुक चाहिए, कि किसी भी आर्टिकल पे दे दो, इसे लिखना है। मैंने कहा कि आप आर्टिकल इस बच्चे से पूछिए कि नहीं नहीं आर्टिकल आप जानते नहीं है। मैंने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आप बताइए कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं आप, कि वही आर्टिकल एयरटी जो होता है। मैंने कहा आई नो द इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल की बात कर रहे हैं आप, कि हाँ हाँ। मैंने कहा ठीक है आप इसे छोड़ जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। पहले जैसे डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स के सिम्टम्स को जानना, ठीक वैसे लाइब्रेरियन का काम होता है उसकी इन्फॉर्मेशन नीड एंड बिहेवियर को जानना, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस प्रोपोर्शनेट पे चाहिए और किस लेवल के स्टूडेंट को चाहिए। तीसरी क्लास का बच्चा है, उसकी कैंसर पे जानकारी अगर वो मांग रहा है तो उसको लिमिटेड जानकारी देनी होगी और छोटी बुक्स में जानकारी देनी होगी ताकि वो तीसरी क्लास का बच्चा ले। गूगल पे आप कैंसर डाल देंगे तो वहाँ तो MBBS के लिए भी मिल जाएगी, MD के लिए भी मिल जाएगी, उसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस बच्चे को हमने पूछा कि आपको बच्चे सचमुच क्या चाहिए, कि पापा नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट पे आर्टिकल लिखना है। तो ये जो काम है ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल का काम है, लेकिन ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल जब पर्सनलाइज सर्विस देने लग जाते हैं, जब एक से एक वन टू वन टॉक करने लग जाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो लाइब्रेरी और रीडर्स का जो बॉन्डिंग है वो हाई हो जाता है। और आपने देखा होगा कई बार, आप ही ने देखा होगा कि जो फॉरेनर्स हैं वो तक भी यहाँ पे काम कराने को आ जाते हैं, तो कभी स्टाफ की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो कई सारे यहाँ जो स्कॉलर हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो विदेशी लोग देखा है। और गूगल की आप बात कर रहे थे, कई बार ये बड़ा संकट है, कई बार लेखकों से भी ये पूछा जाता है कि किताबें बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि संचार के इतने माध्यम हो गए हैं और लोगों के पास इतना कुछ कहने को है कि वो पल भर भी नहीं ठहरता, वो अपनी बात को कह देना चाहता, और माध्यम भी बढ़ गए हैं। लेकिन जिस नगर के आवासी हैं किताबों के, वो आप क्या सोचते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, जैसे गूगल सुविधा है लेकिन उस गूगल की दुविधा पर कोई बात नहीं करता, आपने उस दुविधा की तरफ ध्यान आकर्षित किया और जो सूचना है वो सूचनाओं के ऐसा मायाजाल हो गया है कि आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी सूचना बिल्कुल राइट है। फिर एक और चीज़ तो किताबें जो हैं वो आपको
बिल्कुल राइट होने के लिए प्रेरित करती है, न कि ये सब चीजें हैं। तो आप किताबों के महत्व को इन तमाम चीजों के बावजूद भी कैसे आंकते हैं, और क्योंकि आप पूरे प्रदेश में, देश में और दूसरे विदेशों में भी आपने किताबों के प्रति चिंता और उसको लेकर बहुत सारी बातें आपके अनुभव रहे हैं, तो क्या लगता है पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में बात करें, प्रदेश के, देश के, ये किताबों का जो फ्यूचर है, कई बार लोग कहते हैं कि इनका क्या फ्यूचर होगा, इनको ई लाइब्रेरी या ई बुक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन जो कागज में जो अक्सर छपे हुए हैं, जो किताब को जो आप जब उलझा जी की तो बहुत बेहतरीन कविता उन्होंने लिखी है, तो ये जो लाड प्यार है कविता ये किताब के साथ, वो तो आपको दूसरे फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। मैं तो कैसे आप मानते हैं डॉक्टर नागर, मैं रिसेंटली जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया विजिट करके आया हूँ, मैंने सिंगापुर लाइब्रेरी भी, फ्यूचर लाइब्रेरी भी देखी, और विश्व की सबसे लिवेबल सिटी है, मतलब रहने की सबसे अच्छी सिटी है मेलबर्न, और मैं पूरे एंटायर वर्ल्ड को घूमते हुए जब कोटा में आता हूँ और बात करता हूँ, तो एक चीज मैं आपको कहता हूँ कि ये जितने भी लोग अगर आपको कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड जो है ये बुक स्पेस को ख़त्म कर देगा, तो गलतफहमी में आपको बल्कि ये कहें कि अब डिजिटल वर्ल्ड में एक कॉम्पिटिटर जरूर आया डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन जो राइट प्लेस है, अब समझ गए लोग कि बुक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इसका अंदाजा इससे लगा लेते हैं कि RPSC में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन का आंसर जब वो उसमें पूछा जाता है RPSC से, मतलब बच्चा कहता है कि ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का ये गलत है, तो बच्चे से पूछा कि भाई क्यों गलत है, तो उसने कहा कि मैंने फेसबुक पर पढ़ा है, इसका आंसर ये है, और वो उसके बेस पे लॉयर्स से पिटीशन लगा देता है। कोर्ट ये कहती है कि हमें ये आंसर जो आपका है, ये जो आपका जो सोर्स है, ये लीगल नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये मतलब ऑथेंटिक नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप कोई किताब में लिखा हुआ बताइए, क्यों हम लोग, आप बताइए कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन है। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं या स्मार्ट पर्सन की बात करते हैं, तो यू हैव टू बी मेक एन स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन को क्या चाहिए, स्मार्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऑथराइज इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब कोई किताब छपती है तो उससे के बाद में पब्लिशर उससे पूछता है कि आप अपनी पूरी डिटेल भेजिए, कॉपीराइट फॉर्म भरिए, और कॉपीराइट में लिखा जाता है कि ये जो लिखा गया है ये मौलिक है, ये मेरे लिए लिखा हुआ है, इसको हमने चेक कर लिया है, उसके बाद वो किताब आती है। इसके अलावा भी उसमें ये लिखा रहता है कि ये प्रोफेसर के डायरेक्शन छपी, या असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्शन छपी, या किसी लिटरेरी अवार्ड विनर के डायरेक्शन छपी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रिंट मटेरियल में ही मिल पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किताब की महत्वता जो है, शब्द की जो छपे हुए जो शब्द की महत्वता है, वो कम होने वाली नहीं। बिल्कुल नहीं, और आपको खुशी होगी कि और खुशी इस बात की भी है कि लोग जो कहते हैं कि पाठकों का अकाल है और किताबों की बिक्री नहीं होती है, मैं मानता हूं कि आपने अगर बेहतरीन रचा है, बेहतरीन सृजित किया है, लिखा है, तो निश्चित रूप से पाठक उसको उतना ही लाड़ प्यार देते हैं। मैं इस दिशा में आपसे बात करूं कि ये जो कोटा की जो लाइब्रेरी है, इसने कहीं सफलता के कई सारे पायदान, नए आयाम भी स्थापित किए हैं, तो आपने ऐसे क्या नवाचार यहाँ किए हैं कि और ये लाइब्रेरी कई मायनों में सबसे अजुदा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे आप फ्यूचर में क्या, मतलब इसको क्या प्लानिंग है कि और इसको डेवलप किया जाए, और पाठक जुड़े हैं, और सुविधाजनक स्थिति यहाँ हो। डॉक्टर नागर, 1956 में ये लाइब्रेरी गवर्नमेंट की मोबाइल लाइब्रेरी के रूप में चली। मोबाइल लाइब्रेरी यानी कि किताबों को भर के गांव-गांव, शहर-शहर ले जाया जाता था। निश्चित रूप से जब किताबें जाती रही होंगी, पढ़ते रहे होंगे, दानवल जी की हवेली से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद में जो है ये दूरदर्शन केंद्र में ये शिफ्ट हो गई, उसके बाद में UIT के प्रथम तल पर ये सेटल हो गई, UIT के ग्राउंड फ्लोर पर ये सेटल हो गई। इसने बहुत ज़्यादा सहा है ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। निश्चित रूप से किताबों कि भी एक ह्यूमन बीइंग की जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जब उसे ट्रांसपोर्टेशन में ले जाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। बहुत लंबा सहा इसने, और मैंने 23 जुलाई 2010 को यहाँ पे ज्वाइन किया, और उसके बाद जब मुझे लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आशियाना पहले बना दिया जाए, और इस आशियाने के लिए हमने शुरुआत की, खूबसूरत आशियाना बनाने के लिए हमने आशियाना किताबों का जो किताबों का आशियाना। और आप ताजुब करेंगे कि 50 लाख रुपये हमने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता से सेक्शन करवाए, और चूंकि खूबसूरत बनाने का जहन में था, क्योंकि
लगता था कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ये बॉस्टन या लाइब्रेरी की जैसी लगनी चाहिए, हर एंगल पे नेचुरल लाइट आनी चाहिए। उसका ये राष्ट्रीय परियोजना में भी शामिल है। हाँ, ये उसके बाद में क्या हुआ कि ये लाइब्रेरी बिल्डिंग मिली और 10 लाख प्लस चली गई, 11 लाख प्लस ये बिल्डिंग चली गई। उसके बाद में ये लाइब्रेरी को हमने बड़े मतलब प्यार से इसको सजाया संवारा और ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी में शामिल हो गई। यानी कि राजस्थान से 2 लाइब्रेरी का सिलेक्शन होना था, तो एक में तो चॉइस नहीं होती कि एक तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को लेते ही है, तो ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी में शामिल हो गई। उसके बाद से इसको ये कहने लगा गवर्नमेंट ने कहा कि इसको मॉडर्न और हाईटेक लाइब्रेरी बना दिया जाए। लेकिन उसका फ़ायदा ये मिला कि अभी हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है मतलब ऑडिटोरियम है और उस पर जो इंटेलेक्चुअल मतलब वाईफाई रूम है वो सारी फैसिलिटीज हम दिला पाएंगे उनको। इसके अलावा जो हमारी जो लाइब्रेरी है वो खास इसलिए जानी जाती है कि हमारे यहाँ पे इनोवेशंस बहुत होते हैं। इनोवेशंस का मतलब ये है कि हमने पहले भी कहा कि लाइब्रेरी का काम केवल बुक्स पे काम नहीं करना, बियॉन्ड दी बुक्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए लाइब्रेरी सर्विस शुरुआत की, लेकिन जब हमने शुरुआत की तो हमने क्या पाया कि मोर देन 20% भी मतलब 20% भी जो दृष्टिबाधित है उन्हें ब्रेल पुस्तक पढ़ना नहीं आता। अब लाइब्रेरी में ब्रेल पुस्तक है तो 20 रीडर है, 20 में से 2 लोग भी ब्रेल रीडर बुक्स को नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे में अब हमारे लिए तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। तो हमें क्या चाहिए कि उनको ऑनलाइन ऑडियो में हम लोग दें। तो हमने क्या देखा कि हमने उनको टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस चालू कर दी, यानी कि आपको स्कैन करके और ऑडियो में ट्रांसफर करना चालू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक गुड़िया आई, उसने मुझे क्या कहा कि मैं 11th में पढ़ती हूँ और ये पूरी की पूरी जो किताब है ये मेरी है ना ऑडियो में चेंज कर दीजिए। एक पेज को जब ऑडियो में ट्रांसफर करते हैं तो इसमें 10 से 12-15 मिनट कई बार आधा घंटा लग जाता है। उस छोटी सी डंडी बच्ची को मैं क्या बोलता कि मुझे 6 महीने लग जाएंगे इसको चेंज करने में। तो हमने कहा कि यार आपको वॉइस डोनेशन, तो वॉइस डोनेशन का काम हमने शुरू कर दिया। और हमने ये कहा कि आपका अच्छा लिखा आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ तो आप मुझे ज्यादा समझ में आता है, तो हमने वॉइसेस लेना चालू कर दिया। यानी कि आप जो भी अच्छी वॉइसेस रखते हैं वो वॉइस को हम लोगों को डोनेट कर दें, एक चैप्टर आप पढ़ दें और आप ताजुब करेंगे कि वो लड़की ने 78% बोर्ड में हासिल किया। तो वॉइस बैंक भी वॉइस डोनेशन जो बैंक है वो बैंक बन रहा है, हमने बना दिया। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो हम, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हम लोगों को जब सोचते हैं तो हमारे माइंडसेट में क्या रहता है, हम सोचते कैसे हैं, रीडर क्या सोचता है। छोटा बच्चा सुबह स्कूल से 7 बजे पापा उसके छोड़ने जाते हैं या बस उसको लेने आती है, वो 3 बजे आता है, 3 बजे के बाद हम होप करें कि वो लाइब्रेरी आएगा, नहीं आएगा। हमने पूछा कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट और नीड क्या है, पता लगा कि उसकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, रोज मिलते हैं, पापा परेशान होते हैं। हमने क्या किया कि सारे के सारे स्कूल्स में हमारे ईमेल आईडी प्रोजेक्ट हेल्पलाइन दे दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप प्रोजेक्ट पे, जैसे आपको आपका बच्चा है डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, आप लिख के भेज दीजिए, हम तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ईमेल पे ही प्रोवाइड करा देते। बच्चा खुश हो जाता है, प्रोजेक्ट्स को करता है, फिर जब भी उसकी जो वीकेंड में छुट्टी होती है तो वो लाइब्रेरी आता है। तो उससे आप ताजुब करेंगे कि हमारे 300 से ज़्यादा बच्चे जो लाइब्रेरी में जुड़ पाए। तो अच्छा, इसके अलावा जब भी कोई बात होती है इनोवेशन की, राजस्थान की पहली लाइब्रेरी जिसमें 2500+ ऑडियो बुक्स है हमने चालू कर दिया, ऑडियो बुक सेक्शन है, आप ऑडियो सुन सकते हैं। ऑडियो केवल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, सीनियर सिटीजन है या आप बोर हो रहे हैं या आप केमिस्ट्री की किताब को पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, आप इधर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो बच्चों के लिए बुक्स ऑन स्क्रीन वीडियो ट्यूटोरियल सर्विस कर दी कि आप चाहे तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एटम पे आपको पढ़ना है तो एटम पे आप वर्चुअल क्लास ले सकते हैं, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उसमें प्रीलोडेड जो बुक्स हैं वो उसमें पड़ी हुई है, क्लासेस पड़ी हुई है। अगर आपको क्लासेस नहीं समझ में आती तो आप ई बुक्स तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, और ई बुक्स भी नहीं आती तो उसमें प्रिंट भी आपको वापस सेगमेंट मिलेगा। तो आपके पास मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी है टू रीड एंड लर्न एंड बाय द फन। तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर हाल में जो रीडिंग से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी आप देख लीजिए कि हमने रिसेंटली जर्मनी से जो मशीन मंगाई है इंस्टेंट बुक रीडिंग मशीन, आपको केवल जो किताब है उसको नीचे रखना है और एक स्पेस बार उसको दबाना है जिसमें वो ऑटोमेटिक रीड करने लग जाती है। तो रीडिंग से जुड़े हुए जितनी भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं और मशीन्स हैं वो हम लोग लाइब्रेरी को जोड़ रहे हैं, मतलब अत्याधुनिक तकनीक सारी जो लाइब्रेरी साइंस की है वो यहाँ अवेलेबल है। और आपकी तो मंशा कई बार जाहिर होती है कि मैं दुनिया की तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पढ़ने पढ़ाने और प्रकाशन की जो है वो इस कोटा की लाइब्रेरी को मिले, और आप उसमें लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। एक कोशिश मुझे याद आती है जो आपने की और वो सफल भी हुई,
वो कोशिश है इफला ग्लोबल विजन डॉक्यूमेंट जो अब तक कई भाषाओं में तैयार होता था, लेकिन हिंदी में वो तैयार नहीं होता था। लेकिन आपने उनसे वार्तालाप किया और वो विजन डॉक्यूमेंट में हिंदी को इस बार शामिल किया, तो वो सफलता आपके लाइब्रेरी होने की सफलता तो है ही, उसके अलावा आपके अपने हिंदी के प्रति जो आपका समर्पण है और अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसके प्रति जो आपका लगाव है, उसको इफ्ला में जगह मिलना और उसका विजन डॉक्यूमेंट्स में इस भाषा को शामिल करना एक बड़ी उपलब्धि हमें आपके माध्यम से मिली है। तो वो किस तरह का काम है और आगे क्या असंतोष है आपके मन में कि अभी और सारा काम जो आप, क्योंकि आपका तो मुझे लगता है कि आप नित नूतन नया सोचते हैं कि लाइब्रेरी में क्या नया होना चाहिए, तो कोटा के पाठकों को क्या मिलने वाला है? मतलब मैं बताऊं आपको कि वेरी श्योर कि कोटा लाइब्रेरी अगर मैं आगे काम करता रहा तो मेरा जितना प्रयास रहेगा कि इट विल बी द यूनिक लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि दुनिया की तमाम सुविधाएँ हर कम्युनिटी के लिए, इफ़ यू आर द डॉक्टर तो डॉक्टर सेल अलग मिलेगा, इफ़ यू आर द इंजीनियर तो इंजीनियर सेल अलग मिलेगा, उसमें क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं वो मैक्सिमम करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस करवाया है कि बहुत जल्दी हम लोग हरियाणवी लिटरेचर फेस्टिवल की ओर भी बढ़ेंगे, ऐसे सेगमेंट्स को हम लोग करेंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि आपने कहा कि मैं बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन है जो लाइब्रेरीज को, पब्लिक लाइब्रेरीज को प्रमोट करता है, उसका मैं इनली इंडिया इनोवेटर हूँ, इंटरनेशनल इमर्जिंग लाइब्रेरी इनोवेटर ऑफ द इंडिया, और हाल ही में मुझे साउथ एशिया मेंटर बनाया गया है। जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, वहाँ पे जाके हम लोग हमारी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनको। तो अभी जैसा कि आपको तो शायद याद है कि मोस्ट क्रिएटिव थिंकर अवार्ड मुझे मेलबर्न में मिला, तो वहीं पे मुझे बात हुई थी इफ्ला की प्रेसिडेंट थी क्रिश्चियन मैगेजी, और मैंने उनसे पूछा कि आखिर जितनी भी वोटिंग होती है इफ्ला ग्लोबल विजन की, इसमें इंडियन का क्या परसेंटेज होता। उन्होंने कहा कि परसेंटेज नहीं, नंबर्स पूछो आप। अरे बापरे, परसेंटेज नहीं नंबर्स, मतलब कि कुछ संख्या में होते हैं, 2 लोग 10 लोग। अरे बापरे, ऐसा क्यों होता है? उनको पता ही नहीं है, इंग्लिश भाषा में होता है और उनको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा वोटिंग भी होता है। और आप ताजुब करेंगे, तो मैंने कहा कि क्या ये हिंदी में ग्लोबल विजन डॉक्यूमेंट आ सकता है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने कहा कि आप मुझे इसकी जिम्मेदारी दीजिए। तो उन्होंने जो मैं जैसे ही यहाँ लौटा ऑस्ट्रेलिया से और मुझे ये मतलब इसके बारे में पता लगा कि ये मुझे काम करना है, तो मैंने इसको ग्लोबल विजन डॉक्यूमेंट को हिंदी भाषा में लोगों के समक्ष रखा। और आप ताजुब करेंगे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई इस बार वो भारतीयों की हुई। क्या बात है, मतलब हमें गर्व है कि वी आर वेरी फीलिंग प्राउड कि मतलब हम लोग हिंदी में हमारा काम। तो ये तमाम सफलताएं जो आपको मिली है उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपको इंडिविजुअल आपके प्रयासों को सफलता मिली है, लाइब्रेरी के प्रति आपके समर्पण को सफलता मिली है, और ये सब हम चाहते हैं कि यूं ही निरंतर आप ये कामों के नवाचार आप करते रहें। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल या यूं कह लीजिए कि क्योंकि आप भिन्न भिन्न तरह के पाठकों से रूबरू होते हैं, तो एक पाठक के जीवन में किताब का महत्व क्या महसूस करते हैं और उनको क्या कहना चाहेंगे पाठकों को कि वह किताबों से कैसे इत्तेफाक निरंतर रख सकते हैं, या आपको आपको ये कहा जाए कि आप पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं आपको तो बता दूं, आप मैं चाहता हूं कि अंतिम में मैं एक संदेश जो आप देना चाहते हैं। आपको, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर हेल्थ अगर ना हो तो वेल्थ बेकार हो जाती है, अगर स्वास्थ्य ना हो तो पैसा काम नहीं आता। अब जब स्वास्थ्य की बात आती है तो फिर स्पेसिफिक जरूरत रहती है, मेंटल हेल्थ अगर खराब हो तो फिजिकल हेल्थ भी काम नहीं आती। आप सुनिए, जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है ना, वो कैंसर को भी सरवाइव कर पाते हैं। जिनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध और सरोकार किताबों से है, ज्ञान से है, और ज्ञान में भी श्रेष्ठ ज्ञान से और प्रामाणिक जानकारी से और प्रामाणिक स्रोत। तो लाइब्रेरी से जुड़ाव, आपको पता है भी अभी हाल में परसों नरसों में न्यूज में देख रहा था कि अमेरिका में तो होता है, अमेरिका में पूछा जाता है कि आप लाइब्रेरी के कब से मेंबर हैं, और प्राउड लिखा जाता है कि मैं जिससे बना को हूँ 10 ईयर से इस लाइब्रेरी का मेंबर, वो प्राउड फील करते हैं। ऐसे ही मैंने क्या पढ़ा देखा कि राजस्थान ईटीवी पे आ रहा था कि ये IAS डेली लाइब्रेरी जाते हैं, दे आर फीलिंग प्राउड। यानी कि जिस तरह से योगा जरूरी है उसी लिए मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये अच्छा, और आपको ताजुब होगा, कई लोग बहुत गलत भ्रामक प्रचार करते हैं, भारतीय पढ़ने में
सबसे आगे, भारतीय पढ़ने में सबसे आगे। थोड़ा सा अगर हम लोग उनको या हमारे संस्कारों की जहां तक बात है उनको उसका हिस्सा बना दें या रेगुलर नियमित लाइब्रेरी का हिस्सा बना दें, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि जो प्रॉब्लम्स आपको आज के समाज में आ रही है या जिन्हें आप ये सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, वो सारी की सारी इंस्टेंटली मतलब जो है वो मतलब हटाई जा सकती है, दूर की जा सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्मार्ट ब्रेन के लिए पढ़ना ना छोड़ें, और किसी ना किसी लाइब्रेरी का, और स्पेशली द पब्लिक लाइब्रेरी का, जहाँ कोई पैसा नहीं खर्च होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीडिंग का अवसर मिलता है, जरूर पढ़िए और हम सब लोगों के साथ अपना भी दिमाग को स्मार्ट। तो श्रोताओं, श्रेष्ठ आपको होना है हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, और मेंटल हेल्थ से भी, मेंटल हेल्थ से भी। तो किताबों से आप वाबस्ता होते रहिए, और सार्वजनिक मंडल लाइब्रेरी जो कोटा की है, जो बहुत खूबसूरत और बहुत करीने से जहाँ किताबें सजी हुई है और आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आइए और एक दराज से कोई किताब निकालिए और किताब से एक नया रिश्ता जोड़िए। आज आपने बहुत अच्छी बातें एलडी न्यूज़ के श्रोताओं को बताई है, उसके लिए मैं माध्यम जो है हमारे दिनेश जी भाई साहब महेश्वरी जी, उनकी तरफ से आप सब लोगों का और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और उनकी इस पहल जो उन्होंने की है कि रचनाकार जुड़े, जो इर्द गिर्द की दुनिया में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग जुड़े, वो सारी मनसाएं उनकी पूरी हो, और उनको भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।